नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग लाइब्रेरी। तो आज की वीडियो में हम करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कि जो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है, जो प्रोसीजर है, हम क्यों परफॉर्म करते हैं और किस कंडीशन में हम लोग जो CPR है परफॉर्म करते हैं, और इसकी पर्पज क्या है, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, अगर हमारे पास कोई एडल्ट पेशेंट है या फिर इन्फेंट है या फिर चाइल्ड है, तो इन सब पेशेंट्स पे, इन सब सर्कमस्टांसेस में हम जो CPR का प्रोसीजर है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, वो इस वीडियो में आज हम सब करेंगे। तो एक बात और, अगर आप लोगों को मेरी ये सब वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, जिससे हमें भी पॉजिटिव इनकरेजमेंट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो CPR पे, कि जो CPR है वो स्टैंड करता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के लिए। व्हाट इज CPR? कि CPR एक्चुअल में होता क्या है? जो CPR है वो एक इमरजेंसी कंडीशन में किया जाने वाला प्रोसीजर होता है, जो किसी भी इंसान की, किसी भी पर्सन की लाइफ को सेव कर सकता है, जिसकी हार्ट बीट, जिसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो चुकी होती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, CPR देते हैं पेशेंट को, पर्सन को। तो बात आती है यहाँ पे कि CPR की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी की कंडीशन पैदा हो जाती है कि हमें CPR देना पड़ता है एक पर्सन को। क्योंकि जब किसी पर्सन का हार्ट जो होता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो हमारा हार्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, एक पंपिंग का काम करता है, जो ब्लड सारे, जो हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वहां तक पहुंचता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब किसी पर्सन का जो हार्ट है वो स्टॉप कर देता है पंप करने के लिए, तो जिससे उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट, जब उसका हार्ट जो है वो पंप नहीं कर रहा होता, तो उस टाइम पे जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, मींस जो उसके बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, जो उसके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन, लिवर, किडनीज, लंग्स, इन सबको ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती, क्योंकि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया है। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो उस टाइम पे पेशेंट है, उसका हार्ट जो है वो पंप नहीं करता, उसके जो वाइटल ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, जिससे उसका जो सर्वाइवल चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। मीन्स उसको अगर टाइम पे, विद इन द सेकेंड्स, विद इन द मिनट्स, उसको अगर हम लोग CPR नहीं प्रोवाइड करें तो उस पर्सन की डेथ हो सकती है। इसलिए हम अगर टाइम पे उस पर्सन को, उस पेशेंट को CPR प्रोवाइड कर देते हैं तो हम उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो ये है CPR के बारे में कि CPR जो प्रोसीजर है उसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्पज ऑफ CPR, कि जो CPR हम पेशेंट पे परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों करते हैं। जो CPR है वो हम पेशेंट का, हम पर्सन का ABCD मींस एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, और जब तक मेडिकल एडवांस लाइफ सपोर्ट वहां तक पहुंच ना जाए, हम उसको बेसिक लाइफ जो है, लाइफ सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो पढ़ते हैं ए से एयरवे, मींस टू मेंटेन एन ओपन एंड क्लियर एयरवे। कि जो पेशेंट है, हम CPR इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो पर्सन है उसका हम एयरवे जो है वो क्लियर रख सकें, ओपन रख सकें, ताकि उसको जो ब्रीदिंग पैटर्न है पेशेंट का, हम उसको दोबारा से फॉलो करवा सकें। तो बी स्टैंड करता है ब्रीदिंग बाय आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, कि हम माउथ बाय माउथ भी उसको जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है कर सकते हैं। तो सी स्टैंड करता है मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन, मींस उसका जो कार्डियक मसाज है उसको हम, मींस कंप्रेशन प्रोवाइड करके उसका सर्कुलेशन को हम दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। डी स्टैंड करता है यहाँ पे टू प्रोवाइड बेसिक लाइफ सपोर्ट, कि हम लोगों ने तब तक पेशेंट को वेंटिलेट करना है, सर्कुलेशन मेंटेन करना है, उसका ओपन एयरवे रखना है, जब तक हमें मेडिकल कोई सुविधा वहां पे अराइव नहीं हो जाती, वहां पे पहुंच नहीं जाती। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ CPR,
कि जो सीपीआर प्रोसीजर होता है, जो हम एक इमरजेंसी कंडीशन में करते हैं एक पेशेंट के लिए जब उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया होता है, तो ये वाला प्रोसीजर जो है सीपीआर जो है वो हमें कौन सी कंडीशंस में नहीं करना होता। तो कंडीशंस पढ़ते हैं, यहाँ पे टू टाइप्स की कंडीशंस है। जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, इसमें हमें किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में जो पेशेंट है उसको रिससिटेट मींस उसको सीपीआर नहीं प्रोवाइड करना होता, क्योंकि यहाँ पे जो फिजिशियन रहता है उसकी ऑर्डर होते हैं हमारे पास कि इस पेशेंट को रिससिटेट नहीं करना होता, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DNR, डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर, जो फिजिशियन के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये था एब्सोल्यूट के बारे में कि हमें किसी भी कंडीशन में जो सीपीआर है वो प्रोवाइड नहीं करना पेशेंट को। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आता है कि समहाउ कोई ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है कि हमें सीपीआर देना पड़ सकता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल टफ है कि नहीं देना। एब्सोल्यूट में बिल्कुल जो रूल है जो ऑर्डर है वो टफ है, वो नहीं देना। रिलेटिव में समहाउ हम प्रोवाइड कर सकते हैं सीपीआर पेशेंट को। तो यहाँ पे कौन कौन से रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, पहला ट्रॉमा टू द चेस्ट वॉल, अगर पेशेंट के चेस्ट वॉल में ट्रॉमा हो गया है तो हमें सीपीआर नहीं प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है डेड बॉडी, डेड बॉडी पे भी हम कभी भी सीपीआर नहीं करते, क्योंकि उसका ऑलरेडी डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो डेड हो गया है, उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं डेड हो चुके हैं, तो हमें वहां पे सीपीआर करने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग और रिकवरी, अगर पेशेंट जो है स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ब्रीदिंग लेने की इनिशिएटिव कर रहा है या रिकवरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें सीपीआर नहीं देना, क्योंकि पेशेंट जो है वो अपने आप इनिशिएटिव ले रहा है ब्रीद आउट करने के लिए। सो ये वाली तीन ऑप्शंस हैं, रिलेटिव हैं जिनमें हमें सीपीआर नहीं देना, और एक है एब्सोल्यूट जहां पे DNR डू नॉट रिससिटेट लिखा होता है, तो हमें किसी भी कंडीशन में जो सीपीआर है वो नहीं प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ सीपीआर इन एडल्ट, कि लेट्स सपोज हमारे पास एक एडल्ट पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, तो हमें उसको सीपीआर देने से पहले कौन सी चीजें हमें फॉलो करनी है, तो हमें वहां पे काउज जो मेथड होता है उसको फॉलो करना है। कैन यू हियर मी, पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस है, उसके पास जाके हमने बोलना है कि कैन यू हियर मी, ओपन योर आईज, व्हाट इज योर नेम, S stand for excuse my hands। तो ये चारों options हमने पहले follow करने हैं एक जब patient जो हमें unconscious state में मिलता है। तो next हमने क्या करना है कि अगर हमने cow method जो है वो follow कर लिया तो जो पेशेंट है वो अनरिस्पॉन्सिव है, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो हमें उसका जो सर्कुलेशन है सबसे पहले चेक करना है बाय कैरोटिड आर्टरी, जो उसका कैरोटिड आर्टरी है उसे हमने पालपेट करना है, वहां से चेक करना है कि वहां पे हमें फील हो रही है कैरोटिड आर्टरी या नहीं। अगर पेशेंट पल्सलेस है मींस हमें उसका जो कैरोटिड आर्टरी जब हम लोगों ने पालपेट किया तो हमें वहां पे कोई आर्टरी नहीं पालपेट हो पा रही, तो उस कंडीशन में हमने CABC कैब जो मेथड है उसको फॉलो करना है, मतलब कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, कंप्रेशन के द्वारा हमने उसके हार्ट पे कंप्रेस करना है, जिसमें हमने उसके सेंटर ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करने हैं, एयरवे में हमने उसका जो हेड है उसको पीछे की तरफ टिल्ट करना है और जो चिन है उसको लिफ्ट करना है ताकि हम उसका जो एयरवे है उसको ओपन कर सके, और ब्रीदिंग में हमने उसको माउथ टू माउथ जो है ब्रेथ प्रोवाइड करना है, रेस्क्यू ब्रेथ प्रोवाइड करना है। तो दूसरी सिनेरियो में क्या है कि अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिव है, जब हम लोगों ने काओ मेथड जो है वो यूज किया तो पेशेंट रिस्पॉन्सिव था, तो हम उस कंडीशन में ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुल को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट आता है कि अगर हम लोगों को जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस मिलता है तो हम उसको CABC जो कैब वाला मेथड है वो यूज कर रहे थे तो हम लोगों ने उसको कंप्रेशन प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि जो कंप्रेशन है अगर एक रेस्क्यूर होगा या दो रेस्क्यूर होंगे तो वो कितना कंप्रेशन और कितने ब्रेथ जो है वो एक पर्सन को एक पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इस चार्ट में देख सकते हैं कि एज ग्रुप एडल्ट की बात कर रहे थे हम लोग कि जो कंप्रेशंस हैं हमने 100 से लेके 120 पर मिनट जो कंप्रेशन है वो एक एडल्ट को प्रोवाइड करने हैं। सिंगल पर्सन अगर चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है तो उसने 30 कंप्रेशन देने
है और टू ब्रेथ्स प्रोवाइड करने हैं। अगर वहां पे टू रेस्क्यूअर्स हैं, मतलब दो पर्सन जो एक कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या करना है, उस कंडीशन में भी पहले 30 कंप्रेशंस जाएंगे, उसके बाद जो टू ब्रेथ्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। तो यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है कि एक वन रेस्क्यूअर है तो वो 30:2 रेशियो प्रोवाइड करेगा, दो रेस्क्यूअर्स हैं वो भी 30:2 ही जो रेशियो रहेगी कंप्रेशन की और ब्रेथ्स की सेम रहेगी एडल्ट में, चाहे एक रेस्क्यूअर है चाहे दो रेस्क्यूअर्स हैं। तो हमें जब हम लोगों ने 100 से 120 पर मिनट्स कंप्रेशन पेशेंट को प्रोवाइड कर दिए, तो हम लोगों ने क्या करना है, वहां पे 2 मिनट्स के बाद उसका हमें कैरोटिड पल्स चेक करनी है। कितने टाइम के लिए, 5 to 10 सेकंड के लिए हमें वहां पे कैरोटिड पल्स जो है, कैरोटिड आर्टरी जो है उसको चेक करना है कि वहां पे सर्कुलेशन जो है इनिशिएट हुआ है या नहीं। तो ये तो था एक एडल्ट के बारे में कि अगर हमारे पास एक एडल्ट पेशेंट आ रहा है वो अनकॉन्शियस स्टेट में है तो कैसे जो CPR है प्रोवाइड करना है, उसको कितने कंप्रेशन देने हैं, कितने ब्रेथ रेस्क्यूज देने हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा एक एडल्ट के बारे में। तो नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास एक चाइल्ड और इन्फेंट है वो अनकॉन्शियस स्टेट में आता है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो पहले तो हमें सबसे पहले अगर चाइल्ड जिसकी एज 1 से लेके 1 साल से लेके 8 साल तक हम लोग काउंट करते हैं और इन्फेंट जो होगा वो 0 से लेके 1 साल तक हम लोग काउंट करते हैं, तो अगर ये दोनों पेशेंट हमारे पास आते हैं अनकॉन्शियस स्टेट में तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके जो फीट हैं उसको टैप करना है, उसके जो सोल्स हैं, फीट सोल्स हैं, उसको रब करना है सबसे पहले। अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, अगर फीट को आपने टैप भी कर लिया, सोल्स को रब भी कर लिया, अगर फिर भी वो अनरिस्पॉन्सिव है तो आपने शाउट करना है हेल्प के लिए। तो फिर क्या करना है, आपने उसके हेड को टिल्ट करना है साइड को और क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि वहां पे ब्रीदिंग की फीलिंग को ऑब्जर्व करना है आपने क्लोजली। तो ये थी एक ऑब्जर्वेशन कि अगर आपके पास चाइल्ड और इन्फेंट अगर आपके पास आ रहे हैं अनकॉन्शियस स्टेट में तो आपने उसको कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे उनको असेस करना है। तो नेक्स्ट है कि उसको आपने जो CPR है उसकी कितनी रेशियो प्रोवाइड करनी है। पहली बात करते हैं चाइल्ड की। अगर एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, उसकी जो एज है हम 1 से लेके 8 साल तक काउंट करते हैं एक चाइल्ड में, तो उसकी जो CPR रेशियो रहेगी, अगर एक रेस्क्यूअर मतलब एक पर्सन उसको जो कंप्रेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है तो वो 30:2 मीन 30 कंप्रेशन प्रोवाइड करेगा और 2 ब्रेथ देगा। अगर वहां पे 2 रेस्क्यूअर्स मतलब बच्चा अनकॉन्शियस है तो वहां पे 2 पर्सन जो है उसको रेस्क्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, 15:2 मतलब 15 कंप्रेशन देंगे और उसके बाद 2 ब्रेथ जो है बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें भी सेम ऐसे ही रहेगा कि 100 to 120 ब्रेथ्स पर मिनट है आप लोगों ने जो रेस्क्यूर एज अ रेस्क्यूर उसको बच्चे को प्रोवाइड करने हैं। फिर आपने क्या करना है, उसकी जो फिमोरल आर्टरी है उसको चेक करना होता है जो चाइल्ड होता है उसकी कंडीशन में। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास इन्फेंट है, जो बच्चा है वो 1 साल का है, तो उसको आपने CPR प्रोवाइड करना है तो उसमें उसकी रेशो कितनी रहेगी। तो अगर 1 रेस्क्यूअर वहां पे है, 1 पर्सन उसको रेस्क्यू कर रहा है तो वो 30:2 मीन्स 30 कंप्रेशन देगा, फिर उसके बाद 2 ब्रेथ्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर वहां पे 2 रेस्क्यूअर्स है तो वैसे ही 15:2 मतलब 15 कंप्रेशंस प्रोवाइड करेगा और जो 2 ब्रेथ है वो उसके बाद उसको बच्चे को देगा। तो इसमें जो इन्फेंट होता है उसमें हम कौन सी आर्टरी चेक करते हैं, ब्रेकियल जो आर्टरी है, ब्रेकियल पल्स जो है उसको हम चेक करते हैं जब हम 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट दे देते हैं। तो हमने 5 to 10 सेकंड के लिए जो ब्रेकियल आर्टरी है उसको चेक करना है कि वहां पे जो सर्कुलेशन है इनिशिएट हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई तो आपने फिर से जो अपना साइकिल है जो उसको स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो CPR है उसको परफॉर्म कैसे करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो तीनों सर्कमस्टांस यहाँ पे दिए गए हैं कि अगर आपके पास एडल्ट है या चिल्ड्रन है या फिर इन्फेंट्स हैं, तो इन तीनों
कंडीशंस में इन तीनों स्टेट्स में आपने कैसे जो सीपीआर है उसको प्रोवाइड करना है। तो पहले बात करते हैं एडल्ट्स की, जो एडल्ट होता है अगर उसको कंप्रेशन प्रोवाइड करने हैं तो आपने कैसे प्रोवाइड करने हैं। पहले आपने अपने हैंड्स को इंटरलॉक करना है और आपका जो डोमिनेंट हैंड होगा वो आपके ऊपर वाली साइड आएगा, इन बिटवीन द निप्पल एरिया होगा, वहां पे आपने अपने हैंड्स को प्लेस करना है और पाम से नहीं आपको पुश करना। जो हार्ड वाला जो आपकी यहाँ से रिस्ट जो वाला एरिया होता है ये वाला एरिया कंप्रेस करना है। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप कंप्रेशन दे रहे हो वहां पे एरिया को कंप्रेस कर रहे हो तो कितना आपने डाउन कंप्रेस करना है। तो आपने 2 इंच तक जो आपका कंप्रेशन है, जो आपका दबाव है उसकी चेस्ट पे होना चाहिए 2 इंच तक, किसमें? एडल्ट में। तो इसमें क्या है, जो रेशो है मैंने आपको पहले भी बताई, चाहे एक रेस्क्यूअर है मतलब एक पर्सन है, चाहे 2 पर्सन उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, तो वहां पे रेशो जो है वो 30/2 रहेगी, मतलब 30 कंप्रेशन और 2 जो ब्रेथ्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। मीन्स 100-120 कंप्रेशन पर मिनट जाएंगे एक रेस्क्यूअर द्वारा पेशेंट को। तो वहां पे एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं है कि आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो और आप कंटिन्यू देते ही जा रहे हो कंप्रेशन। आपको एक कंप्रेशन के बाद, जब आपने एक कंप्रेशन दे दिया वहां पे, तो चेस्ट को रिकॉइल होने का भी टाइम देना है कंप्रेशन के बीच में, कि जो चेस्ट है वह दोबारा से बाहर की ओर अपनी रीस्टेट में आए। तो ये थे एडल्ट में जब आप सीपीआर दे रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं चिल्ड्रन की, जिसकी एज हम लेंगे 1 से लेके 8 साल तक का बच्चा आपके पास आया और आपने उसको जो सीपीआर है कैसे परफॉर्म करना है। तो इसमें क्या होगा, आपने एक हैंड से चेस्ट कंप्रेशन है वो प्रोवाइड करने हैं। एडल्ट में हम दोनों हैंड से कर रहे थे, बट चाइल्ड में हमने एक हाथ से ही जो कंप्रेशन है वो प्रोवाइड करने हैं। तो जो हमारे हैंड की प्लेसमेंट होगी वो सेम एज इट इज, जो एडल्ट की तरह इन बिटवीन निप्पल्स हमें अपना हैंड प्लेस करना है और 2 इंच तक जो डाउन को प्रेस करना है। इस तरह से हम एक बच्चे में जो सीपीआर है वो इनिशिएट करते हैं। तो इसमें भी हमने पढ़ा कि जो रेशो है सीपीआर की वो कैसे रहने वाली है, एक रेस्क्यूर होगा, अगर 2 रेस्क्यूअर्स होंगे तो हम कैसे उसको सीपीआर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर इन्फेंट है हमारे पास, जो जब हम इन्फेंट में सीपीआर परफॉर्म करेंगे तो हमें सिर्फ 2 फिंगर्स के साथ जो अपनी फिंगर्स है उसकी प्लेसमेंट बिलो द निप्पल करनी है। आप लोग जैसे इमेज में देख रहे हैं कि ये वाला एरिया जो बिटवीन द निप्पल था, तो ये वाला एरिया हम किस में सेलेक्ट कर रहे थे, एडल्ट और चिल्ड्रन में। बट इन द केस ऑफ इन्फेंट हमें बिलो द निप्पल जो है एरिया सेलेक्ट करना है और वहां पे अपनी फिंगर्स जो है वो प्लेस करनी है, 2 फिंगर्स प्लेस करनी है और 1.5 इंच की हमें यहाँ पे अपनी जो फिंगर्स हैं 1.5 इंच डाउन प्रेस करनी है जब हम बच्चे को कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें भी हम पीछे पढ़ा है कि इन्फेंट है तो उसमें कितने रेस्क्यूअर्स होंगे और कितने की रेशो रहेगी और कितने कंप्रेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब हम लोग पिछली वाली स्लाइड में सारा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीपीआर, कि जब आप सीपीआर किसी पेशेंट को दे रहे हो एज अ रेस्क्यूअर तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होने के चांसेस हो सकते हैं। पहला है रिब फ्रैक्चर, कि अगर जो रेस्क्यूअर है उसको प्रॉपर टेक्निक नहीं पता है सीपीआर देने का, उसको कंप्रेशन का पता नहीं है, तो वहां पे प्रेशर कैसे अप्लाई करना है वाइल द कंप्रेशन, तो ये सब चीजें क्या कर सकती हैं, जो पेशेंट है उसके रिब्स को फ्रैक्चर कर सकती हैं। सेकंड है लेसिरेशन रिलेटेड टू द टिप ऑफ द स्टर्नम, लिवर, लंग एंड स्प्लीन। अगर पर्सन ट्रेन नहीं होगा तो वहां पे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करना होता है प्रेशर जो होता है, कंप्रेशन जो होते हैं, तो उसकी वजह से जो उसकी स्टर्नम है उसको भी लेसिरेशन हो सकता है, लिवर को भी लेसिरेशन आ सकती है, लंग, स्प्लीन, क्योंकि ये आगे वाले लंग से आगे वाले पार्ट जो है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के, तो ये सब
पे भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एस्पायरेशन, कि जो ओरल सिक्रेशंस होती हैं पेशेंट की, तो मे बी वो कॉज कर सकती हैं एस्पायरेशन अगर आप पेशेंट को साइड लाइन, उसका हेड जो है साइड लाइन पोजिशन में नहीं कर रहे हो, तो ये एस्पायरेशन कॉज कर सकती है पेशेंट में। नेक्स्ट इज द वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी कॉज हो सकती है सीपीआर से, मे बी जो प्रेशर है वो ज्यादा अप्लाई हो जाए वाइल द कंप्रेशन, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग वो भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सीपीआर। तो अगर आपको ये मेरा कंटेंट जो है वो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने जो रिव्यूज हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा। थैंक यू।